और चलिए इसी के साथ एक बड़ी और अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। तो हनुमानगढ़ से बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए लोगों के द्वारा फिरौती मांगे जाने का मामला सामने आया है। लॉरेंस गैंग के नाम से फिरौती मांगने वाले रिमांड पर लिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है, ये वो लोग हैं जो कि लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांग रहे थे और अब इनको रिमांड पर लिया गया है। पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगने वालों को रिमांड पर पुलिस ने लिया है और पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। कोर्ट ने 17 फरवरी तक पुलिस के रिमांड पर इन आरोपियों को भेज भी दिया है। तो व्यापारी को व्हाट्सएप कॉल के जरिए फिरौती मांगी थी, व्यापारी ने इसकी शिकायत पुलिस को दी और पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी, क्योंकि फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी इनके द्वारा दी गई थी और धमका रहे थे, लॉरेंस गैंग से अपने आप को जुड़ा हुआ बता रहे थे। तो ऐसे में अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है, पुलिस के द्वारा इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लॉरेंस गैंग के नाम से फिरौती मांगने वाले पुलिस के रिमांड पर हैं। कोर्ट से भी आपको बता दें कि 17 फरवरी तक पुलिस की रिमांड मिल गई है और अब पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करेगी, क्योंकि एक व्यापारी को व्हाट्सएप कॉल के जरिए फिरौती मांगना और फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देना, ये सब कृत्य इन आरोपियों के द्वारा किए गए हैं, जो कि अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। कर लिया था हमसे, सिर्फ पारूल ने थाना पर मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसे व्हाट्सएप नंबर से कॉल करके और फिरौती मांगी जा रही है और धमकियां दी जा रही है। उसको वॉइस फोन जब वो नहीं उठा रहा है तो उसको वॉइस रिकॉर्डिंग भेज के भी धमकी दी जा रही है, अगर पैसे 7-8 लाख रुपए नहीं दिए तो उसको और उसके परिवार को नुकसान हो जाएंगे। तो इस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया गया और श्रीमान एसपी साहब के मार्गदर्शन में उनके द्वारा जो इस संबंध में को क्लू दिए गए थे उस आधार पे अनुसंधान करते हुए चंदन सिडाना और दूसरा हर्ष उर्फ काकू इनको कल प्रोडक्शन वारंट भी हासिल करके और रिमांड भी लिया गया। तो फिरौती मांगने वाले आरोपी आपको बता दें कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं। व्यापारी को व्हाट्सएप कॉल करके ये फिरौती मांग रहे थे और अब पुलिस के हत्थे ये फिरौती मांगने वाले चढ़ गए हैं। फिरौती नहीं देने पर व्यापारी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। लॉरेंस गैंग के नाम पर ये फिरौती मांगी जा रही थी। हनुमानगढ़ से ये बड़ी जानकारी है, यहाँ पर फिरौती मांगने वाले रिमांड पर पुलिस ने लिए हैं और कोर्ट की तरफ से अब इनको 17 फरवरी तक की रिमांड मिल चुकी है। पुलिस अब इस रिमांड अवधि के दौरान इन आरोपियों से पूछताछ करने वाली है, क्योंकि फिरौती व्यापारी से मांगी गई थी, वो भी व्हाट्सएप कॉल के जरिए, और फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी इन आरोपियों ने दी थी और इसी सिलसिले में पुलिस लगातार इनकी पड़ताल कर रही थी और अब पुलिस ने इन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि लॉरेंस गैंग के नाम पर ये फिरौती मांग रहे थे। इनको गिरफ्तार करके कोर्ट से इनकी रिमांड पुलिस ने ले ली है और अब इनसे आगे की पूछताछ पुलिस के द्वारा की जाएगी। इनके गैंग में और कितने लोग सक्रिय हैं, किन किन लोगों से इन्होंने फिरौती ली है या इनको एक्सट्रॉशन के कॉल और किन किन लोगों को की गई है इन आरोपियों के द्वारा, ये सब पुलिस अभी फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है।